आप 10 वर्ष से छोटे बच्चों को खेलते हुए देखें तो उनकी बातें सुने। छोटे बच्चे आपस में कई तरह की प्रतियोगिताएं करते हैं, अपनी हर वस्तु की, अपने माता पिता के धन की, नौकरी की, गाड़ी की, यानी जीवन में जो भी सामान है उनकी चेतना में, उन सब की। मनुष्य के मस्तिष्क के अन्यत्र जो भी है उसका अस्तित्व मस्तिष्क की चेतना पर निर्भर है। अंडमान के सेंटिनलिस जनजाति के लोग सोने चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं से भी अनभिज्ञ हैं। तो सोना और चांदी भी उनके लिए रेत के समान ही है। तो जो वस्तु अपने अस्तित्व के लिए हमारी चेतना पर निर्भर है, उनकी तुलना कैसी? उदाहरण के लिए, यदि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं, तो किसी अन्य से उसकी तुलना कैसी? बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उनमें ये चेतना आती जाती है। पूर्ण वयस्क होने पर तुलनाएं भी लगभग विलुप्त हो जाती हैं। इस उम्र में आते आते व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है कि तुलना एक अंतहीन पर्वत है, जिस पर कितनी भी चढ़ाई करें, कभी शिखर तक नहीं पहुंच सकते। जिस व्यक्ति में जितनी तुलना शेष है, वो उतना ही भटकाना है। भिक्षुक का जीवन सबसे कठिन होता है। शून्य संपत्ति, शून्य सुविधाएं। जिसने मस्तिष्क पर संपूर्ण विजय न प्राप्त की हो, वो भिक्षुक का जीवन जी नहीं सकता है। प्राचीन काल में ऋषि गुरुकुल चलाते थे। वो देखते थे कि किसने मस्तिष्क पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, और ऐसे मनुष्य को वो ब्राह्मण बना देते थे। उसे भिक्षुक का जीवन जीना होता था, सदैव सत्य बोलना होता था। ब्राह्मण के पास कोई संपत्ति नहीं होती थी। भिक्षुक का जीवन था तो कोई लोभ नहीं दे सकता था, अतः वो समाज और राज सत्ता को सच से सामना करवाते थे, निर्भीक, निर्विकार और निर्मोही रूप से। समय का चक्र घूमता रहा। रेगिस्तान से राक्षस आए, गुरुकुल नष्ट हो गए, ऋषियों द्वारा चयनित ब्राह्मण भी विलुप्त हो गए। परिणामतः धर्म भी कमजोर होता गया, समाज भी झूठ में जीने लगा, शोषण और अत्याचार आ गए, रूढ़ियों और अंधविश्वास ने भी अपनी जड़ें जमा ली। वो चेतना जो व्यक्ति को ब्राह्मण होने के योग्य बनाती है, वो किसी भी व्यक्ति में विकसित हो सकती है, स्वयं की साधना द्वारा। साधना का यहाँ मतलब है अध्ययन और उस पर मनन से। जिन व्यक्तियों में ये चेतना विकसित हो जाती है, वे मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचाने, उनके ज्ञान का लाभ लें और स्वयं भी ये क्षमता विकसित करें। आप अपने बच्चों को भी इसके लिए तैयार कर सकते हैं। उन्हें अपनी मातृभाषा और गणित में पारंगत कर दें, अच्छी पुस्तकें पढ़ने को प्रेरित करें, उनमें ये चेतना विकसित हो जाएगी। अब बात उनकी जो जन्म से ब्राह्मण है। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मनुष्य की कोशिकाएं भी अपनी स्मृतियों को अगली पीढ़ी में भेजती हैं। वैज्ञानिकों की बात को उतना महत्व ना भी दें, तो भी ये तो मानेंगे कि बच्चे की चेतना का विकास माता पिता के सानिध्य में होता है। यही कारण है कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वालों में उन गुणों या उस चेतना के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। ठीक उसी तरह जैसे डॉक्टर के बेटे के डॉक्टर बनने या सैनिक के बेटे के सैनिक बनने की संभावना अधिक रहती है। अपवाद हर समाज में होते हैं। किसी बहुत गुणी व्यक्ति की संतान भी नालायक निकल सकती है, लेकिन अपवादों से नियम नहीं बदले जाते। स्वतंत्रता के पहले से ही भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग को ब्राह्मणों से घृणा करना सिखाया जाता रहा है, लेकिन ऐसा करके आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला। कोई जन्म से ब्राह्मण है या किसी अन्य जाति का, लेकिन वो ब्राह्मण होने के गुणों को भी धारण कर रहा है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। ये उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने संसार के सबसे सुंदर धर्म और दर्शन को जन्म दिया है। ये लोग आज भी उस धर्म के सबसे बड़े वाहक हैं, और यही कारण है कि विधर्मी शक्तियां सबसे पहले ब्राह्मणों को नष्ट करने के लिए उतावली हैं।